दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरह के जो है पेज बॉर्डर लगा के बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने होम टैब को क्लिक किया हुआ है जिसके अंदर हमको दिखाई देता है यहाँ पर पेज बैकग्राउंड। इसको हम इसके अंदर हमको दिखता है यहाँ पर पेज बॉर्डर। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको पेज बॉर्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी क्लिक दे रहता है। इसमें हम जाने के बाद बॉक्स को क्लिक करेंगे और बॉक्स को ही जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको अलग अलग तरह के जो है लाइन स्टाइल वाले जो है बॉर्डर इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्लिक करेंगे और हम जिस भी टाइप का बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे यानी लाइन सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमको यहाँ पर बॉर्डर का इम्प्रेशन दिखाई देगा यानी कैसे डिजाइन के साथ दिखने वाले हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये अलग दिख रहा है, यहाँ पर और भी हम जाएंगे तो हम अलग अलग तरह की जो है स्टाइल यहाँ पर से ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कि अगर हमने जो बॉर्डर लिया हुआ हुआ है उसको अगर हम कलर डिजाइन देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कलर दिख रहे हैं, जो आपको बेस्ट लगता है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको पेज का बॉर्डर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज आपको लगता है कि ये पेज का बॉर्डर जो चारों तरफ आ रहा है मेरे इस एक साइड नहीं रखने हैं, जैसे मैं इसको छोटा किया आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सपोज चाहते हैं कि हमको इस एक साइड हटाना है, जैसे मेरे को ये लेफ्ट साइड हटाना है तो हम क्या करेंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे। पेज बॉर्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर का एरिया दिख रहा है जिसमें आपको टॉप, ये बॉटम, लेफ्ट और राइट साइड का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे को ये लेफ्ट साइड का जो है बॉर्डर हटाने हैं तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप देखेंगे बॉर्डर यहाँ से हट गए। ओके करेंगे तो हमारे पेज से भी हट जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम बॉर्डर को भी जो है एक साइड अगर नहीं रखना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। अगर हमको ये जो है बॉर्डर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है या फिर लाइन को हमको मोटा या पतला करना है तो यहाँ पर हम जाकर जो है अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं। इसके अलावा हम आर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमको यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शन मिलता है। जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पर गए और कोई भी टाइप का हमको स्टाइल चाहिए सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आ गए। बट जो है कि हमारा पेज का आकार अगर बड़ा रहेगा तो आप देखेंगे कि ये जो है उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा है, लेकिन इसको और अच्छा लुक देना है तो हम पेज बॉर्डर में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद जो है कि अगर डिजाइन बदलना है तो बदल सकते हैं, अदरवाइज जो है विड्थ दिया हुआ है जिसमें 31 PT शो कर रहा है तो इसको आप एरो को जो है क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद जो है इसको घटाएंगे यानी कि क्लिक करके इसको 10 PT या जितना आप रखना चाहते रख लीजिए। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बॉर्डर आया हुआ है और वही डिजाइन है लेकिन जो है बहुत अच्छा एक लुक दे रहा है। इस तरह से हम बॉर्डर का इफेक्ट दे सकते हैं बॉर्डर ऑप्शन से यानी कि पेज बॉर्डर ऑप्शन से। धन्यवाद दोस्तों।